हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल ए आर जे मैनेटर में स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का। दोस्तों यदि आप जानना चाहते हैं कि अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से कैसे लिंक करें, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूं। यदि आपका आधार कार्ड काफ़ी साल पहले अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराया और आप उसका स्टेटस जानना चाहते हैं कि आपका स्टेटस कैसे चेक करना है, तो इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपको क्या करना है, आप अपने फ़ोन के किसी भी ब्राउज़र में जाइए। ब्राउज़र में टाइप करना है आपको www.incometax.gov.in। तो जैसे ही हम इसके टाइप करते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन आता है होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आपको इसी पर क्लिक करना होगा। इस वाले पर आपको क्लिक कर आप जिस जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इनकम टैक्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद आपको आवर सर्विस में बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, आपको सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है यदि आप अपना आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक करना चाहते हैं। इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आता है। ऐसे इंटरफेस आने के बाद आपको क्या करना है, अपना पैन कार्ड लेना है, आधार कार्ड लेना है और पैन कार्ड का नंबर इसमें फिल करना है। देन उसके बाद आपको इसमें अपना आधार कार्ड नंबर फिल करना है। देन उसके बाद जो आपके आधार कार्ड पर आपका नाम है वो उसमें फिल करना है और देन उसके बाद जो आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो। इसके बाद आपको जो ये आपके दो डब्बे से दिख रहे होंगे आपको आपको सिर्फ इन पर क्लिक करना होगा, ये राइट हो जाएंगे, ब्लू हो जाएंगे। देन उसके बाद आपको लिंक आधार कार्ड ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक ऐसा नोटिफिकेशन आता है कि योर पैन इज़ ऑलरेडी लिंक्ड टू गिवन आधार कार्ड, बोला है कि आपने जो आधार कार्ड दिया है वह पहले ही ऑलरेडी इस पैन कार्ड से लिंक हुआ हुआ है। ये तो हुआ दोस्तों आप मेरा पैन कार्ड, क्योंकि मैंने पहले से ही लिंक किया हुआ है। और यदि आप न्यू हैं, आप अपना पैन आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक करना चाहते हैं, तो आपके सामने इस आगे का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ही आप लिंक आधार कार्ड पर क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है। उस OTP को आप इसमें डालने के बाद OTP वैलिडेट करना होता है। वैलिडेट करने के बाद आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक हो जाता है। तो दोस्तों ये प्रोसेस था, आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से कैसे लिंक कर सकते हैं। देन उसके बाद यदि आप अपना स्टेटस जानना चाहते हैं तो आप स्टेटस भी अगले पार्ट में जान पाएंगे। तो मैं बैक करता हूं और जानते हैं अपने आधार कार्ड का स्टेटस कैसे चेक करते हैं। दोस्तों थर्ड ऑप्शन पर आपको दिख रहा होगा कि नो अबाउट योर पैन आधार कार्ड पैन कार्ड, तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको सिर्फ वही करना है, पहले वाला तरीका अपनाना है, पैन कार्ड आधार कार्ड लेना है और उसका नंबर इसमें फिल करना है पैन कार्ड। देन उसके बाद आधार कार्ड नंबर।
देन उसके बाद आपको व्यू लिंक आधार कार्ड स्टेटस पर क्लिक करना होगा, इस वाले ऑप्शन पर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने आता है योर पैन कार्ड। आपको पैन कार्ड के शुरू के 2 डिजिट और शुरू लास्ट के 2 डिजिट दिखाए जाएंगे कि आपका पैन कार्ड यही है या नहीं कंफर्म करने के लिए, और लास्ट का जो आधार कार्ड है उसके 4 डिजिट दिखाए जाएंगे। बताया जाएगा कि आपका ये पैन कार्ड इस आधार कार्ड से लिंक है, तो आपको इस पर ओके करके आप इसे जान सकते हैं कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है या नहीं है। दोस्तों ये वीडियो हमें आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताना है कमेंट करके। यदि आपको अच्छी लगी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है, और ऐसे ही चैनल पर टेक्निकल वीडियो मिलती रहती है तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।